अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चों, फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students I hope you all are doing well so as you all know students we had started chapter number 7 which is matter and material in our previous class in which we had discussed what is matter and what are particles what is the difference between solid liquid and gas and how you can differentiate between solid liquid and gas so in today's class we'll be starting a new topic which is changing matter So students, you can change matter from one state to another. Do you know how? Through heat. Heat is responsible for changing the state of matter. There are 4 ways that heat can do this. Melting, freezing, condensation and evaporation. Heating or cooling matter does not always change its state. Adding or taking away just a little heat may do nothing more than change the temperature of the substance. However, adding or taking away a lot of heat can change the state of matter. So student, changing matter यानी matter में changes लाना, how can you change matter from one state to another? यानी कि आप बताएं कि किस तरह से हम change कर सकते हैं matter को different different state में. तो you can change matter from one state to another. उन्होंने आपको ये बताया कि हम matter को change कर सकते हैं different different state में, एक state से उसके next state में लेके जा सकते हैं, दूसरी state से उसको दोबारा first state में ला सकते हैं. Do you know how? आपको पता है कि आप किस तरह ये काम कर सकते हैं? So, through heat, यानी heat के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं. Heat is responsible for changing the state of matter. Heat responsible है change करने के लिए state of matter, matter की state जो है वो change करने के लिए. अब उसके भी तो ways होंगे, like there are 4 ways that heat can do this. Heat किस तरह changes ला सकती है, तो उसके 4 ways हैं. नंबर 1 इज़ मेल्टिंग, नंबर 2 फ्रीजिंग, नंबर 3 कंडेंसेशन एंड नंबर 4 एवेपोरेशन. हीटिंग और कूलिंग मैटर डज नॉट ऑलवेज चेंज इट स्टेट्स, यानी कि मैटर को हीट अप करना और कूल करने से उसकी हमेशा स्टेट चेंज नहीं होती. एडिंग और टेकिंग अवे जैसा लिटिल हीट मे डू नथिंग मोर देन चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करना, थोड़ी सी हीट जो टेक अवे करना, वो क्या करेगा, चेंज कर देगा टेम्परेचर ऑफ़ दी सब्सटेंस. हाउएवर एडिंग और टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि अगर आप थोड़ी सी हीट निकाल लेते हैं, थोड़ी सी हीट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे मैटर की स्टेट चेंज नहीं होगी. आपको बहुत सारी हीट या तो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होगी, या तो बहुत सारी जो हीट है वो आपको उससे उसको कम प्रोवाइड करना बंद करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है, वरना आपकी स्टेट मैटर की जो स्टेट है उसमें चेंज नहीं आएगा. सो बेसिक हमारी जो मेन चीज़ है वो क्या है, हीट. हीट के ज़रिए ही हम जो है वो चेंजेस ला सकते हैं, हीट के बगैर हम चेंजेस नहीं ला सकते. अब हमें पता करने हैं कि वेज कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है वो हीट कर सकते हैं, या फिर हीट जो है वो हीट प्रोवाइड करना बंद कर सकते हैं. तो उसके सारे वेज हमारे पास हैं यहाँ पे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड एवेपोरेशन. ये 4 हमारे पास वेज हैं जिनके थ्रू हम ये सारे काम जो हैं वो कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो द फर्स्ट वे इज़ और द फर्स्ट मैथड इज़ मेल्टिंग. मेल्टिंग मैटर चेंजेस इट फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड. इट डज दिस बाई गिविंग इट मोर एनर्जी. It works like this. Particles in a solid have very little energy.
दे डू नॉट नीड इट बिकॉज दे डू नॉट मूव अराउंड. रिमेंबर दे आर पैक्ड टुगेदर. पार्टिकल्स इन अ लिक्विड हैव मोर एनर्जी देन दोज इन अ सॉलिड. दे नीड इट बिकॉज दे नीड टू मूव अराउंड मोर. सो टू टर्न अ सॉलिड इन टू अ लिक्विड यू नीड टू गिव द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड मोर एनर्जी एंड हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, मेल्टिंग का बेसिकली होता क्या है, मेल्टिंग मैटर चेंजेस इट फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड. सबसे पहले तो आपने याद रखना है, मेल्टिंग किसी भी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, उसकी स्टेट में क्या चेंजेस आते हैं. सो सॉलिड हमेशा मेल्ट होकर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में. इट डज दिस बाय गिविंग इट मोर एनर्जी. अब सॉलिड लिक्विड में किस तरह चेंज हो रहा है, किस तरह जाके हम उसको बहुत सारी एनर्जी जो है जब प्रोवाइड करते हैं. इट वर्क लाइक दिस. अब किस तरह काम कर रहा है, पार्टिकल्स इन अ सॉलिड है वेरी लिटिल एनर्जी. लाइक ये बुक है, ये एक सॉलिड है, इसमें एनर्जी के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती है. इनको एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए होती. क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो मूव नहीं करते, इनकी कोई मूवमेंट नहीं होती. बिकॉज दे डू नॉट नीड इट बिकॉज दे डू नॉट मूव इन अराउंड. वो मूवमेंट नहीं होती उनकी कोई भी, उनके पार्टिकल्स की कोई मूवमेंट नहीं होती. वो एग्जैक्ट पोजिशन पर होते हैं, सो इसीलिए उनको एनर्जी नहीं चाहिए होती. रिमेंबर दे आर पैक्ड टुगेदर. सॉलिड जो है वो टाइटली पैक टुगेदर होते हैं, इसलिए उनके पास एनर्जी भी ज़्यादा नहीं होती. पार्टिकल्स इन अ लिक्विड हैव मोर एनर्जी देन दोज इन अ सॉलिड. लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं, लिक्विड मैटर जो होते हैं, लिक्विड मटेरियल्स जो होते हैं, उनके पास जो है वो ज़्यादा एनर्जी होती है. क्यों? क्योंकि उनको मुस्तकिल जो है वो, उनकी मुस्तकिल तो नहीं कह सकते लेकिन उनकी जो है वो मूवमेंट होती है सॉलिड से ज़्यादा, इसलिए उनके पास एनर्जी भी ज़्यादा होती है. दे नीड इट बिकॉज दे नीड टू मूव अराउंड मोर. उनको सॉलिड ज़्यादा, उनकी मूवमेंट होती है इसीलिए उनको एनर्जी जो है वो चाहिए होती है. सो टू टर्न अ सॉलिड इन टू अ लिक्विड यू नीड टू गिव द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड मोर एनर्जी. यानी कि जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनको आपको मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, तभी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड से लिक्विड में. एंड हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. जो इतनी देर से मैं एनर्जी 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 कर रही हूँ, वो मतलब ये है कि आपको उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. एंड क्योंकि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और टाइप ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी. लाइक अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है वो फ्रीज हुई हुई है, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो वाटर हो, उसको हम लोग हीटअप करेंगे तो वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा. आइस क्यूब भी हैं, वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाएंगी. ओके नाउ सो स्टूडेंट्स, मोस्ट सॉलिड्स मेल्ट व्हेन दे रीच अ सर्टेन टेम्परेचर. दिस टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर ऑल मटीरियल. फॉर सॉलिड वाटर आइस द मेल्टिंग पॉइंट इज 0 सेल्सियस. फॉर गोल्ड इट्स मोर देन 1000 सेल्सियस. सो रबिंग अ बार ऑफ सॉलिड गोल्ड बिटवीन योर हैंड्स विल नेवर टर्न इट इनटू अ लिक्विड इन द वे रबिंग एन आइस क्यूब विल. हीटिंग सॉलिड मैटर गिव द पार्टिकल एनर्जी. वंस द टेम्परेचर रीचेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मटीरियल द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू मूव फॉर मूव फार इनफ अवे फ्रॉम ईच अदर फॉर द सॉलिड टू चेंज इन टू अ लिक्विड इवन गोल्ड. सो स्टूडेंट्स, सॉलिड को मेल्ट करने के लिए हमारे पास उसका एक सर्टेन टेम्परेचर तक जाना, उसके टेम्परेचर का बढ़ना ज़रूरी है. दिस टेम्परेचर इज़ डिफरेंट. अब हर मटेरियल के लिए डिफरेंट है, लाइक आइस के लिए डिफरेंट है, सिल्वर के लिए डिफरेंट है, गोल्ड के लिए डिफरेंट है. इन सबको मेल्टिंग कर, इनको मेल्ट करने के लिए हमारा टेम्परेचर जो है वो मोस्टली डिफरेंट है. फॉर सॉलिड वाटर लाइक आइस, सॉलिड वाटर मोस्टली आइस ही कहलाया जाएगा, बर्फ जमा हुआ पानी या फिर बर्फ, उसके लिए जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो है हमारे पास 0 सेल्सियस. फॉर गोल्ड इट इज़ मोर देन 1000 सेल्सियस. गोल्ड का टेम्परेचर ज़ाहिर ज़्यादा है, उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको उसको मेल्ट करने के लिए. सो रबिंग अ बार ऑफ सॉलिड गोल्ड बिटवीन योर हैंड विल नेवर टर्न इट इनटू अ लिक्विड इन द वे रबिंग एन आइस क्यूब विल. यानी कि अगर आपको कोई भी, अगर आप आइस क्यूब जो है अपने हाथ में रब करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो है वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप गोल्ड अपने हाथ में मेल्ट करते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है वो मेल्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसको मेल्ट करने के लिए 1000 सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, जो उसका मटीरियल का टेम्परेचर है वो उसी पर मेल्ट होगा. हीटिंग सॉलिड मैटर गिव द पार्टिकल्स एनर्जी. सॉलिड मैटर को जब हम लोग हीट अप करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स को क्या मिलना शुरू हो जाती है, इनफ एनर्जी मिलती है. वंस द टेम्परेचर रीचेज अ मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही उसका मटीरियल का टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर पहुंचता है, मटीरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एनर्जी जो है अच्छी खासी उनको मिल जाती है, ताकि वो एक दूसरे से दूर हो सके, मूवमेंट उनके फ़ौरन स्टार्ट हो सके. और जैसे वो लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, स्पेस उनको मिलने लगता है, तो सॉलिड फ़ौरन चेंज हो जाता है लिक्विड में इवन गोल्ड. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आइस में ही हो, गोल्ड को मेल्ट करने के लिए भी बिल्कुल यही प्रोसीजर है, बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पे भी होता है. नाउ एक्टिविटी टाइम. मेल्टिंग चॉकलेट. एक्टिविटी क्या है आपकी, मेल्टिंग चॉकलेट. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टेक्स फॉर चॉकलेट टू मेल्ट.
यानी कि आपको क्या लगता है कितना टाइम चाहिए होगा चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। सो आपको एक्टिविटी में क्या क्या चाहिए, व्हाट यू विल नीड, पेपर प्लेट्स चाहिए आपको, वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट, ये सारी चीज़ें आपको चार जो हैं वो चाहिए। व्हाट यू विल डू, पुट अ पीस ऑफ ईच टाइप ऑफ चॉकलेट ऑन अ पेपर प्लेट एंड प्लेस इट आउटसाइड इन अ सनी पोजिशन। सो आपने पेपर प्लेट देनी है, पेपर प्लेट में आपने हर तरह की जैसे तीन चॉकलेट्स हैं तीनों के पीसेज जो है वो कट करने हैं और उसको एक पेपर प्लेट में रख के बाहर रख देना है सनी पोजिशन में, जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही हो, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो। टाइम हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द सॉलिड चॉकलेट पीस टू टर्न टू लिक्विड, यानी कि आपने टाइम चेक करना है, नोट करना है या कितना टाइम लगता है एक सॉलिड चॉकलेट को टर्न होकर मेल्ट होकर लिक्विड बनने में। नोट इफ देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ चॉकलेट, और आपने क्या नोट करना है कि वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट एंड मिल्क चॉकलेट में कितना कितना टाइम लगता है, अगर इसको 2 सेकंड्स लग रहे हैं, इसको 2 मिनट्स लग रहे हैं, इसको 1 मिनट लग रहा है, इसको 3 मिनट्स लग रहे हैं, तो आपने ये सब नोट करना है। नोट इफ देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन अदर थ्री टाइप्स ऑफ चॉकलेट, रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन साइड द क्लासरूम एंड सी हाउ मच लॉन्गर और क्विकर इट टेक्स टू मेल्ट। अब यही आपको एक्टिविटी क्लासरूम तो जाहिर नहीं है, तो आपने अपने एक तो आपने सनी पोजिशन में रख के देख ली, अब एक आपने अपने बेडरूम में, टीवी लाउंज में, कहीं भी जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर हो, जहाँ बहुत ज़्यादा सनी जो है वो आपका टेम्परेचर वेदर ना हो, जाहिर है सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना पड़ रही हो, वहाँ पर आपने उस रूम में रखना है और नोट करना है कि अब वो तीन चॉकलेट्स कितने कितने टाइम में मेल्ट होती हैं। यही एक्सपेरिमेंट, रिपीट द एक्सपेरिमेंट नियर अ हीटर एंड इन अदर लोकेशंस। अब यही आपने उससे ज़्यादा टेम्परेचर देना है, उसको पहले तो आपने सनी टेम्परेचर दे दिया, जाहिर है सनी पोजीशन में वो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर नॉर्मल होगा, और अब अपने एक हीटर में या किसी भी चूल्हे के पास रख दिया, फिर चूल्हे में मेल्ट करके देख ली, ज़्यादा टेम्परेचर देके देख लिया कि कितनी चीज़ कितने कितने टाइम में तीनों में मेल्ट हो रही है, तो उससे आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर का क्या फंक्शन है इसमें, मेल्टिंग में टेम्परेचर कितना क्यों ज़रूरी है, ताकि कितनी हीट प्रोवाइड करना हमें ज़रूरी है। सो ये भी एक छोटा सा आपको कॉलम दिया हुआ है, बर्न और मेल्ट। Some materials burn instead of melt. This happens because of the way they react with oxygen in the air. Wood burns instead of melting. So student, यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा concept दिया गया है burning and melting का। Melting होता है किसी भी चीज़ का पिघलना, burning होता है जलना। कुछ materials जो है वो melt होते हैं, लेकिन कुछ materials जो है वो burn होते हैं। Like wood जो है वो जलेगा पिघलेगा नहीं, gold जो है वो पिघलेगा जलेगा नहीं। तो ये क्या होता है, इसका क्यों डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस तरह रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मोस्टली जो है वो ऑब्वियसली बात है एयर में तो ऑक्सीजन है, तो वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अब वो गोल्ड जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वो मेल्ट हो रहा है, लेकिन जो वुड है वो रिएक्ट कर रही है और वो बर्न हो रही है, इंस्टेंट ऑफ मेल्टिंग वो क्या होगी, बर्न होगी। स्टूडेंट, सो द सेकेंड वे इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मैटर चेंजेज इट फ्रॉम अ लिक्विड इन टू अ सॉलिड। अब आपने आप बोलेंगे अभी तो आपने एक चीज़ मेल्ट कर ली, अब हम क्या फॉरन फ्रीज कर रहे हैं, तो येस, जिस तरह हम सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बना रहे हैं, उसी तरह हम लिक्विड को फ्रीज करके जो है वो सॉलिड बनाएंगे। इट डज दिस बाई टेकिंग अवे एनर्जी, सो इट इज़ द अपोजिट ऑफ मेल्टिंग। When liquid is frozen, the particles stop moving and become closer and closer until the liquid becomes a liquid. All liquids have a freezing point that is measured by temperature. This point is the same as the melting point for the substance in its solid state. When the temperature of the liquid falls below this point, it turns into a solid. When you burn a candle, the wick starts to melt when the temperature reaches about 60 Celsius. So students, फ्रीजिंग में क्या है, फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड जो है वो चेंज होता है सॉलिड में। अब ये किस तरह हो रहा है, अब ये हो रहा है जिस तरह हमने सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की थी, इसी तरह हम लोग लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम टेक अवे करेंगे, टेकिंग अवे एनर्जी। सो इट इज़ अ अपोजिट ऑफ मेल्टिंग, यानी कि मेल्टिंग का अपोजिट है फ्रीजिंग। वहाँ हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि उसकी एनर्जी भी ले लेंगे। When liquid is frozen, liquid जब फ्रोज होता है, the particles stop moving. Liquid के पार्टिकल constantly move कर रहे होते हैं, तो फ्रीज करते वक्त वो जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो रुक जाती है एंड बिकम क्लोजर एंड क्लोजर, वो टाइटली पैक होना शुरू हो जाते हैं until the liquid become a solid. जब तक वो पार्टिकल सॉलिड नहीं बन जाता, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजर आते रहते हैं, और तब तक वो टाइटली पैक होकर सॉलिड नहीं बन जाते, तब तक उनकी मूवमेंट जो है वो ख़त्म होती रहती है और वो टाइटली पैक हो जाते हैं आपस में, उनका स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। All liquids have a freezing point that is measured by temperature. हर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि किससे मेजर होता है, टेम्परेचर से। ये बात बिल्कुल सेम है जैसे कि मेल्टिंग के लिए बात थी, वैसे ही बिल्कुल
सॉलिड के लिए हुआ है. दिस पॉइंट इज द सेम एज अ मेल्टिंग पॉइंट फॉर द सब्सटेंस इन इट्स सॉलिड स्टेट. जिस तरह मेल्टिंग के लिए कोई उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी है, इस तरह उसके लिए फ्रीज करने के लिए सॉलिड स्टेट में लेके जाने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़रूरी है. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल्स बिलो दिस पॉइंट इट टर्न्स इनटू अ सॉलिड. अब एक टेम्परेचर जब उससे टेम्परेचर फॉल कर जाता है तो जो है फ़ौरन से स्टार्ट कर जाती है सॉलिड जो है वो लिक्विड जो है फ़ौरन से सॉलिड बन जाता है. व्हेन यू बर्न अ कैंडल, जब कभी हम कैंडल बर्न करते हैं द वैक्स स्टार्ट टू मेल्ट व्हेन द टेम्परेचर रीचेस अबाउट 60 सेल्सियस. यानी कि अगर हमने ये कैंडल जो है इसको मेल्ट करना है तो जब टेम्परेचर पहुंच जाता है 60 डिग्री पे तो वो क्या हो जाती है, फ़ौरन से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. इसी तरह फ्रीजिंग के लिए भी हमारे पास टेम्परेचर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखेगा कि द वैक्स वुड रिमेन एज अ लिक्विड इफ इट स्टेड नियर द हीट बिकॉज इट वुड बिकम हॉटर एंड हॉटर. सो स्टूडेंट्स क्या होगा, द वैक्स वुड रिमेन एज अ लिक्विड. जो वैक्स है वो हमेशा क्या रहेगी, लिक्विड ही रहेगी फिर स्टेट नियर द हीट. अगर वो मुस्तकिल हीट के बराबर हीट के पास ही रहे, यानी अगर कैंडल भी तो मुस्तकिल जलती रहे, जाहिर वो लिक्विड बन जाएगी, वो दोबारा कभी सॉलिड बनेगी नहीं. बिकॉज इट वुड बिकम हॉटर एंड हॉटर, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हॉटर से हॉटर होता जाएगा, बढ़ते से बढ़ता जाएगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड होती जाएगी तो वो लिक्विड बन जाएगा. हाउ एवर ग्रेविटी कॉज द लिक्विड वैक्स टू रन डाउन द साइड ऑफ द कैंडल. अब आप ये बोलेंगे कि जो ये हमारे पास कैंडल है जब वो जलना शुरू होती है तो उसका वैक्स जो है वो नीचे क्यों गिरना शुरू होता है, वो इस वजह से ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरकर जमना शुरू हो जाता है. एज इट डज इट मूव्स अवे फ्रॉम द हीट एंड इट टेम्परेचर स्टार्ट टू फॉल. व्हेन इट फॉल्स बैक टू 60 इट स्टार्ट टू बिकम अ सॉलिड अगेन. इट मे इवन बिकम अ सॉलिड बिफोर रीचिंग द बॉटम ऑफ द कैंडल. सो स्टूडेंट जैसे ही हम उस कैंडल को हीट से दूर कर देते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो दोबारा फॉल होना शुरू हो जाता है, उसको हीट प्रोवाइड होना बंद हो जाती है, तो वो वापस से क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाती है. जिस तरह वो उसका वैक्स जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड लिक्विड हो रहा होता है, जैसे ही आप कैंडल को जो है वो बुझा देंगे तो वो दोबारा से वैक्स जो है वो सॉलिड स्टेट में बन जाएगा. ये आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, जब कभी भी लाइट जाती है तो भी हम अक्सर कैंडल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जल रही होती हैं, हीट अप हो रही होती है, तो वो मेल्ट होती जाती हैं और हमें रोशन प्रोवाइड करती रहती हैं. लेकिन जैसे ही लाइट आती है हम उसको बंद कर देते हैं तो वो जो वैक्स जो है वो लिक्विड लिक्विड से दोबारा सॉलिड हो जाता है. इट में इवन बिकम अ सॉलिड बिफोर रीचिंग द बॉटम ऑफ द कैंडल. और वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ की हम बात करेंगे, मोस्टली ऐसा हो रहा था कैंडल जल रही होती है लेकिन हमने अभी आधी जलाई, लाइट आ गई और हमने बंद कर दी, तो उसका कैंडल का जो वैक्स है वो यहाँ जमता 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 यहाँ तक आता है, ज़मीन तक पहुँचता भी नहीं है. क्यों, क्योंकि वो फ़ौरन से हमने जब उसको बंद कर दिया, उसको टेम्परेचर नहीं मिला, हीट नहीं मिली, तो वो फ़ौरन से वहीं जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है और उसको वो फ़ौरन से लिक्विड से सॉलिड बन जाती है. ओके स्टूडेंट्स, सो द थर्ड वे इज़ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन हैपन्स व्हेन अ गैस इज कूल्ड सो मच दैट इट बिकम अ लिक्विड. दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स इन द गैस लूज एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग टुगेदर. सो स्टूडेंट्स कंडेंसेशन बेसिकली क्या होता है, कंडेंसेशन जब होता है जब कभी गैस जो है वो कूल डाउन हो जाए सो मच दैट इट बिकम्स लिक्विड. अब वो इतनी गैस जो है वो गैस जो है वो ठंडी हो गई है कि अब वो फ़ौरन से लिक्विड बन जाएगी, पानी बन जाएगी. दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल इन द गैस लूज एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग टुगेदर. ये क्यों होता है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो लूज़ करना शुरू हो जाते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो उनको एनर्जी मिलना बंद हो जाती है और वो स्टार्ट हो जाते हैं मूविंग टुगेदर. अगर इनको मैं आपको बिल्कुल आसान एग्जाम्पल देके समझाऊं, कभी आप जो है वो पानी बॉयल कर रहे होते हैं किसी भी पतीली में, अब हम उसको बॉयल कर रहे होते हैं और जब वो बॉयल हो जाता है ज़ाहिर से धुआं निकल रहा होता है और हम उसको ढक देते हैं कि उसमें कुछ गिरेंगे. हम उसको ढकते हैं और आप उसको थोड़ी देर बाद उसका ढक्कन हटा के देखेंगे तो आपको बबल्स बबल्स बने हुए आ रहे होंगे उस ढकने पर. या आप कभी भी पानी बॉयल करें ढक कर, तो वो बबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस होती है जो उठ के धुएँ की सूरत में उस ढकने से टकराती है और जब उसको टेम्परेचर बंद हो जाता है, चूल्हा बंद हो जाता है, वो पानी बॉयल नहीं हो रहा होता, तो वही गैस पार्टिकल्स टेम्परेचर कूल डाउन होने की वजह से, टेम्परेचर हीट ना मिलने की वजह से, एनर्जी ना मिलने की वजह से कूल डाउन होकर लिक्विड बन जाते हैं. तो ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास कंडेंसेशन का कहलाता है. नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज एवेपोरेशन. एवेपोरेशन टर्न्स अ लिक्विड इनटू अ गैस. इट डज दिस बाय गिविंग द लिक्विड सो मच हीट दैट पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड आर एबल टू मूव अराउंड फ्रीली. सो स्टूडेंट्स एवेपोरेशन बेसिकली क्या होती है, एवेपोरेशन टर्न करती है लिक्विड को गैस में, यानी लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में. इट डज दिस बाय गिविंग द लिक्विड सो मच हीट दैट द पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड आर एबल टू मूव अराउंड फ्रीली. अब इसकी एग्जाम्पल ही बहुत आसान सी घरेलू सी एग्जाम्पल है, वो ये है स्टूडेंट्स के एवेपोरेशन क्या होती है बेसिकली, कि अगर हम लोग कभी कहीं पानी बॉयल करने रख देते हैं और हम लोग भूल जाते हैं तो वो पानी
या फिर दूध ही आप अगर उसको वो जल जाए या पानी जो है वो ख़त्म हो जाए तो वो जल जल कर उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड होती है कि वो उसकी एनर्जी इतनी होती है कि वो अब जो लिक्विड हमारे पास है पानी या दूध वो क्या होता है उसके पार्टिकल इतना फ्रीली मूव करने लगते हैं कि वो हवा में उड़ जाते हैं गैस बन के, वो फ़ौरन चेंज हो जाते हैं गैस में। जैसे कि कभी आप जाएँ और पानी बॉयल करके रख के भूल जाएँ थोड़ी देर बाद आप जाएँ तो या तो वो पानी आधा हो चुका होता है या अक्सर तो होता है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है। वो ख़त्म होने की वजह यही होती है कि वो पानी की जो पार्टिकल है लिक्विड जो है वो टर्न हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है गैस में और वो फ्रीली मूव करती है तो वो हवाएँ मिल जाती है और हमें पतीली अक्सर खाली मिलती है अगर पानी की हो, और अगर दूध वगैरह की होती है तो या तो वो बहुत ज़्यादा जल जाती है, दूध आधा हो जाता है, या वो जल जलकर बिल्कुल ख़त्म होकर पतीली काली हो जाती है जलने की वजह से, और दूध जो है वो गैस बनकर उड़ चुका होता है धुएँ की सूरत में, अब जो है वो उड़ चुका होता है। सो स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। लिक्विड स्टार्ट एवेपोरेटिंग एट टेम्परेचर वेल बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। वाटर इज ऑलवेज एवेपोरेटिंग फ्रॉम द अर्थ। दिस इज द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। द टेम्परेचर ऑन द अर्थ नेवर रीचेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। हाउ एवर, द हायर द टेम्परेचर द मोर क्विकली द वाटर एवेपोरेट्स। स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन में क्या होता है, एवेपोरेशन है डिफरेंट बॉइलिंग से। लाइक बॉइलिंग डिफरेंट है, एवेपोरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इन अ सेंस के लिक्विड स्टार्ट एवेपोरेटिंग एट टेम्परेचर वेल बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड स्टार्ट करता है एवेपोरेट टेम्परेचर से उनके बॉइलिंग पॉइंट से भी बिलो पर। वाटर इज ऑलवेज एवेपोरेटिंग फॉर फ्रॉम दी अर्थ। वाटर एवेपोरेट हो रहा है, लाइक वाटर जो अर्थ का वाटर है वो चेंज हो रहा है गैस में, एवेपोरेशन हो रही है। दिस इज़ पार्ट ऑफ दी वाटर साइकिल, यानी वाटर साइकिल का ये पार्ट है। द टेम्परेचर ऑन अर्थ नेवर रीचेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, यानी अर्थ का टेम्परेचर कभी भी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुँचता। लाइक 100 पे वो कभी भी नहीं पहुँचता, लेकिन जो है वो एवेपोरेशन हो रही होती है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से बिलो भी एवेपोरेशन हो रही होती है। द हायर द टेम्परेचर द मोर क्विकली द वाटर एवेपोरेट। अब उसी बात को जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसको मैं क्लेरिफाई करूँगी। मैंने ये बोला कि हम पानी बॉयल करने रख रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 100 का टेम्परेचर दे रहे हैं तभी वो हीट अप हो रहा है। अगर हम उसको 100 का टेम्परेचर दे रहे हैं तो जाहिर है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड है ना, लिक्विड से सॉलिड में हो जाएगा, लेकिन वाटर तो हमारे पास है ही सॉलिड, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको टेम्परेचर 100 देंगे तभी वो चेंज होगा या उसका जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा हम उसको वही देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हम अगर उसको हल्के चूल्हे पे भी रखेंगे और घंटों हम उसको रखे भूल जाएंगे और उसको इतनी हीट प्रोवाइड नहीं हो रही है, लेकिन वो जो है वो उड़ जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह के वाटर साइकिल में भी यही होता है, वाटर साइकिल में जो समंदर का सी लेवल का पानी है या फिर बारिशों का अक्सर पानी है वो जो है वो नॉर्मल हीट पर भी सन की सूरज की जो तपिश है उससे भी एवेपोरेट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सूरज का टेम्परेचर वो 100 हो जाए, अगर बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो हम जल सकते हैं, हम इंसान कैसे ज़िंदा रहेंगे। हम तो यहाँ 40 डिग्री में ही इतनी गर्मी हो जाती है कि मुश्किल हो जाता है रहना, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे, बॉइलिंग पॉइंट से कम पे भी एवेपोरेशन जो है वो हो जाती है। हाँ, ये बात है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही क्विकली एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, वाटर की एवेपोरेशन उतनी ही जल्दी जल्दी होगी। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास था मैटर एंड मटेरियल्स के बारे में। मैटर एंड मटेरियल्स का ये चैप्टर था जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट करा था, और आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसे हमने चेंजिंग मैटर के बारे में पढ़ा, उसके बेस के बारे में पढ़ा, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड एवेपोरेशन के बारे में। आई होप सो ये आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 के साथ मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।